दंगल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार दिया था, जिसका एक वीडियो क्लिप कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें मोदी संवाददाता से ये पूछते दिख रहे हैं कि फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले में उन्हें भरोसा है या नहीं। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री मोदी, आप भाग सकते हैं लेकिन आप छिप नहीं सकते, आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, देश आपकी आवाज में इसे सुन सकता है। उन्होंने लिखा है, सच बहुत ताकतवर है, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस करने की चुनौती देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इससे पहले पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी किए जाने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार और विदेश नीति पर बहस करने की चुनौती दी थी। दरअसल लगभग सभी विपक्षी पार्टियां नए राफेल सौदे पर मोदी सरकार की लगातार आलोचना कर रही हैं। उसका कहना है कि संपर्क सरकार के दौरान विमान सौदे के लिए हुई बातचीत से नया सौदा महंगा है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इस सौदे में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। हालांकि सरकार ने राफेल समझौते में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है और अंबानी ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।